नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में, यूपी स्पेशल। यूपी SSC के द्वारा जो विलेज पंचायत ऑफिसर यानी ग्राम पंचायत ऑफिसर का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, सिलेबस के अनुसार 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, और सिलेक्शन लेने के लिए एक एक मार्क्स बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं यूपी स्पेशल, मतलब 20 क्वेश्चन जो हमको करना है। 20 क्वेश्चन जो हम लोगों को करना है वो हम लोग धीरे धीरे 20 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, मात्र 10 10 15 15 20 20 मिनट डेली के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो आराम से 20 से 30 डेज में तो ये 20 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अगर जो पढ़ेगा तो फिर पढ़ता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसको याद करते चलिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही अमूल्यवान है। जो पढ़िए वो आपका सॉलिड होता जाए, उसके ऊपर कोई फिर शंका ना रहे, तो इस बात का ध्यान रखकर के पढ़ाई करना है। शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग ज़्यादा नहीं, बस इतना देखेंगे उत्तर प्रदेश का मानचित्र। मानचित्र में क्या डिस्ट्रिक्ट की स्थिति क्या है, जिला कहाँ कहाँ कौन सा है, किससे कौन सटता है, कब गठन हुआ उत्तर प्रदेश का, ये है उत्तर प्रदेश का मैप, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान पर आप सभी लोग जानते हैं, ठीक, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना, 7 N1/3, ठीक, यानी कि 7.33%, ये परसेंट है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं टोटल कुल क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का वो कितना है, 2,40,928, यानी कि 2,40,928। इसको याद करने के लिए सिंपल ये याद रखिए, कितना, 2,40,240,928, एक मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए, 2,40,928, ये हो गया टोटल क्षेत्रफल उत्तर। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र पर, तो उत्तर प्रदेश में अगर कृषि क्षेत्र पर बात करें तो देश का टोटल जितना एग्रीकल्चर होता है उसका 15%, कितना, 15% जो है उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर किया जाता है, 15% भूमि में, पूरे देश के भूमि में अगर बात करें तो उसका 15% जो है उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का केवल अगर बात करें तो केवल यूपी में कितने परसेंट में एग्रीकल्चर होता है यूपी के टोटल क्षेत्रफल का, तो 68% है, कितना, 68, 70% में 2% कम, ठीक, 68%, ये हो गया। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसलिए 24 जनवरी 1950 का इसका स्थापना दिवस मनाते हैं, और 2017 में ये गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 2018 से 2017 में ये अनाउंस किया गया था कि 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है SSC के थ्रू ही कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस कब है, कब मनाया जाता है। अच्छा, 2018 में, 2018 में पहली बार मनाया गया था, 2018 में पहली बार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठन हो गया। अच्छा, राज्य का पुनर्गठन का बात करें तो वो 1 नवंबर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, फैजल अली करीब कुछ ऐसे ही जो भी आयोग बना था उसके द्वारा, उसका बात नहीं करें पॉलिटिकल भी, हम इसका बात करें तो राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और राज्य का विभाजन जो हो गया 9 नवंबर 2000, सन 2000 में 9 नवंबर को 13 जिला इसका काट करके उत्तराखंड एक अलग राज्य, पहले वो उत्तरांचल था बाद में उत्तराखंड बना, उत्तराखंड एक अलग राज्य की स्थापना कर दी गई 2000 में। तो अक्सर ये पूछता है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 9 नवंबर 2000, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा, राजकीय भाषा है हिंदी, कब से चला आ रहा है, राजकीय भाषा हमारा हिंदी जो है 1947 से चले आ रहा है,
और दूसरा राजकीय भाषा का बात करें तो वो है उर्दू। कब से? तो 1989, 1947 से हिंदी है, हिंदी 1947 से। और उर्दू तो हिंदी जो है 1947 से हमारा राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश का, और उर्दू 1989 से है। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का बात करें तो बारहसिंघा, बारहसिंघा जो है राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी सारस, उसको क्रोच भी बोलते हैं। और राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक, ये जानते होंगे सभी लोग, जानता है ये। उत्तर प्रदेश में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। राजकीय पुष्प जो है पलाश, यानी कि टेसू, ठीक, जिसको जंगल की आग भी कहते हैं। अच्छा, पलाश को उत्तर प्रदेश ने कब स्वीकृत किया था राजकीय पुष्प के रूप में? तो ये किया था 4 जनवरी 2011, 4 जैन 2011 को पलाश को एक राजकीय पुष्प के रूप में दर्जा मिला था उत्तर प्रदेश के द्वारा। राजकीय चिन्ह में एक वृत्त है, गोला सा एक वृत्त है, उसमें दो मछली, एक तीर धनुष, ठीक। तो क्या क्या है? दो मछली, एक वृत्त है, एक सेकंड, ये हो गया वृत्त, इसमें दो मछली हो गया। अच्छा, गंगा यमुना का मिलन भी है इसमें, ठीक। तो गंगा यमुना, ये हो गया गंगा, ये हो गया यमुना, ये सरस्वती निकल गई, इसमें दो मछली है और तीर धनुष है, और क्या है, यही है। और इसको कब स्वीकृत किया गया था? तो 1938 में, 1938 में स्वीकृत किया गया था। तो अगर पूछा जा सके उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में कौन सा नदी को नहीं दर्शाया गया है, तब ध्यान में रखिएगा हमारे इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज जो हो चुका है, उसमें गंगा यमुना का मिलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। तो वही चीज इसमें दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों है, मिलती है। अब मिलती हैं, किसी ने देखा तो नहीं ये भाई सरस्वती कब मिल रही है, कहाँ मिल रही है, फिलहाल ये सब है। अब बात करते हैं राजकीय खेल। तो राजकीय खेल अभी भी हॉकी है, हमारे देश का ही नहीं, हमारे राज्य का भी राजकीय खेल हॉकी है। अभी हमारा राष्ट्र का कोई राजकीय खेल नहीं है, लेकिन हमारे राज्य का जो है वो, उसको हम हॉकी मानते हैं। और इसके बाद फिर ये हो गया हमारा लगभग सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश की। अब हम उत्तर प्रदेश को मैप को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में टोटल कितना जिला है? तो 75, 75 जिला है उत्तर प्रदेश का। टोटल एरिया तो पता बताइए दें, 240,928, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 7.33% है। राज्य जो है क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्थान रखता है। पहला में कौन है? तो राजस्थान। सेकंड में कौन है? मध्य प्रदेश। थर्ड में महाराष्ट्र, एंड चौथा में हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक, ये हमारा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की आकार की, तो ये लंबवत है, यानी क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल आकार में है हमारा उत्तर प्रदेश लंबवत। और इसकी अगर ग्लोब में स्थिति बात किया जाए, ग्लोब में स्थिति मतलब क्या, एक्सिस, नॉर्थ साउथ किधर साइड में, तो अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट, लिख देता हूँ, 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर, मतलब कि नॉर्थ से, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ है। ये हमारी क्या है, लेटिट्यूड, लेटिट्यूड जो है मतलब कि अक्षांश जो है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। और अगर हम इसी का बात करें, इसमें इसका लॉन्गिट्यूड का, यानी कि देशांतर में, तो लॉन्गिट्यूड में इसका जो विस्तारण है वो है 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में, इस पूर्वी देशांतर में ये, ठीक।
और अगर अक्षांशीय विस्तार का बात करें इसका, जो भी अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार इसका टोटल है 7 डिग्री 36 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है, लगभग 7 डिग्री 36 यानी कि 36 मिनट। और अगर हम देशांतरी विस्तार का बात करें, यानी कि पूर्व से पश्चिम देशांतरी विस्तार का बात करें, तो ये है 7 डिग्री 09, 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम लंबाई हो गया। और अगर ये हम उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई का बात करें, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई तो 240 किलोमीटर, मतलब कि हमारा क्या है, लंबा ज़्यादा है चौड़ा कम है। ठीक, लंबाई ये लीजिए इतना है और चौड़ाई इतना है। ठीक, कितना है लंबाई, 650, चौड़ाई मात्र 240 किलोमीटर में, सभी। ठीक, ये हो गया। अब हम उत्तर प्रदेश का अगल बगल पड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं क्या क्या। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में लगता है कौन सा राज्य, कौन सा देश, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है ही उत्तर प्रदेश का, तो कौन सा देश है, ये देश है नेपाल। बड़ा कंट्री है, चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल। नेपाल क्या करता है, हमारे राज्य के 7 जिला के साथ टच करता है, और ज्यादा कुछ नहीं करता है। 7 डिस्ट्रिक्ट 7 जिला में टच करता है। वो जिला कौन कौन सा है, तो इधर से अगर आप ले लीजिए, तो ये हो गया पीलीभीत। पीलीभीत से स्टार्ट कीजिए, हम पश्चिम से पूर्व तरफ चल रहे हैं। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, खीरी के बाद बहराइच, बहराइच के बाद सहरावा, सहरा श्रावस्ती, बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आ जाता है कौन, बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज, महाराजगंज। इधर ये कुशीनगर नहीं टच करता है नेपाल से, ये ना कट जा रहा है। ठीक, तो महाराजगंज, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद लखीमपुर खीरी, खीरी के बाद पीलीभीत। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ टच कर रहा है उत्तर प्रदेश का। अब दूसरा हम बात करें उत्तराखंड, ये को लगे हाथ ऊपर ले लेते हैं, इसको भी पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, तो ऊपर सबसे पहले लगता है ये सहारनपुर। ये देखिए सहारनपुर है, सहारनपुर 3 राज्यों के साथ टच करता है, एक तो उत्तराखंड, दूसरा ऊपर में है हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर में है इधर हिमाचल प्रदेश, और इस साइड है हरियाणा। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 3 जगह से टच करता है। अच्छा, सबसे कम अगर पूछा जाए, सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ लगा हुआ है, तो वो है हिमाचल प्रदेश के साथ, बहुत हल्का लगा हुआ है। एक सहारनपुर, सहारनपुर के बाद आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद आ जाएगा बिजनौर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद बरेली, बरेली पीलीभीत। पीलीभीत कौन कौन कहाँ कहाँ किससे किसी के साथ टच कर रहा है, तो एक साइड नेपाल, एक साइड उत्तराखंड। ठीक, ये हो गया पीलीभीत का काम। पीलीभीत काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, टाइगर वगैरह भी रहता है। अच्छा ठीक, उसके बाद फिर अगर हम, एक सेकंड, अब हम बिहार के साथ बाउंड्री की बात करते हैं, तो बिहार के साथ भी किसके किसके साथ, पहला कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, पांचवा गाजीपुर, छठवां चंदौली, और सातवां सोनभद्र। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखने वाला है, उस महाराजगंज जो था वो आपका, नीचे से अगर चलते हैं दक्षिण से उत्तर के साइड, मतलब साउथ से नॉर्थ साइड में, तो सबसे पहले सोनभद्र आता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर में चंदौली टच करता है बिहार के साथ, थर्ड में गाजीपुर, चौथे नंबर में बलिया। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, मतलब कि मोस्ट ईस्टर्न, सबसे पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट है वो हो गया बलिया। ठीक, बलिया के बाद ऊपर आ जाता है, 1 2 3 4, 4 हो गया देवरिया, 5 कुशीनगर, 6 महाराजगंज, 7, यानी कि बिहार के साथ भी 7 जिला टच करता है उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड के साथ भी हो गया, नेपाल के साथ भी हो गया, देखिए 7 जिला टच किया नेपाल के साथ उत्तर, और बिहार के साथ भी 7 जिला टच किया। अब देखिए बिहार के साथ एक जो इसमें टच कर रहा है, ये कौन सा है, सोनभद्र। ये सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 राज्यों के साथ बाउंड्री अपना शेयर करता है,
ठीक, एक तो बिहार इधर, उसके बाद फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अगर बाउंड्री शेयर करता है किसी राज्य के साथ, किसी भी राज्य के साथ, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ 11 जिला जो है टच करता है। ठीक, तो अब इसमें से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के 11 जिलों का, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले में तो आ जाता है आपका सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र जो कि चार राज्यों से करा है, सोनभद्र, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद चित्रकूट। ठीक, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद महोबा, महोबा के बाद झांसी, झांसी के बाद जालौन, महोबा, झांसी, जालौन, जालौन के बाद इटावा, इटावा के बाद आगरा। जालौन हो गया, इटावा हो गया, आगरा हो गया, कितने जिला हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। एक कौन? ललितपुर। ललितपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है ललितपुर में। और अच्छा, ललितपुर जो है तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। थोड़ा सा यही दिख रहे हैं आप, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है, झांसी के साथ। तो ललितपुर जो है एक लटका हुआ जिला है। देखिए कैसे लटका हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगर बात करें अब और कौन सा राज्य बचता है अगल बगल में। अब हम इधर बात करेंगे कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के साथ अगर हम देखें तो एक हो गया मथुरा और दूसरा हो गया आगरा। तो मथुरा, आगरा, आगरा जो है राजस्थान के साथ भी है और मध्य प्रदेश के साथ भी है। और इधर मथुरा जो है हरियाणा में से भी टच कर रहा है और राजस्थान के साथ भी टच कर रहा है। उसके बाद ऊपर अगर चले जाए हरियाणा में ही, तो मथुरा तो हो गया, उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ के बाद फिर आपका आ जाता है इधर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद बागपत, के बाद शामली, शामली तक हरियाणा पहुंच गए, बागपत, शामली, सहारनपुर, सहारनपुर आप देखिए। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो हरियाणा के साथ कितने हो गए, हरियाणा के साथ 6 जिले हो गए। ठीक, दिल्ली के साथ गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के साथ हो गया। और इधर हमारा कौन सा बचता है, इन सभी के साथ हो गया। तो अगर हम फाइनली देखें तो हरियाणा के साथ कितने, 6, दिल्ली के साथ 2। ठीक, उसके बाद फिर उत्तराखंड के साथ 7, नेपाल के साथ 7, बिहार के साथ 7। और अगर एक बचता है मध्य प्रदेश, जिसके साथ सबसे ज्यादा है, इसके साथ हो गया 11। तो 11 राज्य जिला के साथ मध्य प्रदेश टच करता है। अब हम इसमें अगर बात करें तो सबसे छोटा जिला जो है हमारा हापुड़ है। सबसे बड़ा जिला नहीं पूछेगा, पूछता है लखीमपुर खीरी बता दीजिएगा, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछता है मोस्टली कौन सा सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्योंकि नया बना हुआ है। ठीक, और आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी उसके बाद फिर देखेंगे। जा थोड़ा सबसे उत्तरी जिला के बारे में बात करें सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो यह है सोनभद्र, और सबसे पूर्वी में हम बलिया बोली दिए थे, सबसे पश्चिमी में, तो सबसे पश्चिमी में कौन सा, शामली। ये देखिए शामली आपका यहाँ पर, ये भी नया है। तो सबसे पश्चिमी में शामली, सबसे पूर्वी में बलिया, उसके बाद सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र। तो एस एस एक साउथ में है सोन। ठीक, और ये हो गया एक एस सहारनपुर नॉर्थ में। ठीक, इधर बलिया है आपके ईस्ट साइड में, ये रहा बलिया सबसे ईस्ट में। ठीक है, और इसमें अगर कुछ बात किया जाए, उत्तर प्रदेश का बदायूं एक ऐसा जिला है जो कि 7 जिले के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है, 7 जिलों के साथ बदायूं। अगर हम लखनऊ का बात करें तो लखनऊ में अभी क्या बन रहा है, जैसे एनसीआर बना हुआ है, उसे स्टेट कैपिटल रीजन भी कुछ ऐसा ही, इसी टाइप का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक ले गया है। ये तो लखनऊ के अर्ध गर्द पूरा ये चल रहा है। तो इसमें कौन कौन सा हो गया, बरेली हुए, तो इसमें से ये देख लीजिए कि लखनऊ के साथ कौन कौन सा सटा हुआ है, बरेली, अमेठी, लेकिन नहीं सटा हुआ है, तो अमेठी उसमें नहीं है।
बरेली है, बाराबंकी है, सीतापुर है, हरदोई। हरदोई हो गया, उसके बाद फिर इधर हरदोई के बाद उन्नाव, 6 जिला है। लखनऊ में साथ देखिए, रायबरेली 1, बाराबंकी 2, सीतापुर 3, हरदोई 4, उन्नाव 5, लखनऊ 6। ठीक, और इसमें अगर NCR में बात करें तो हमारे 8 जिला आते हैं उत्तर प्रदेश के, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं NCR में। और ठीक है, इतना ही आज देखते हैं, बाकी अगर आपको पसंद हो, ठीक लग रहा हो ये, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।